अब हम फिल्म बना रहे हैं चैनक के डिस्कशन के ऊपर, तो आपको जो मसाइल हैं, जो आपके जहन में सवाल हैं, आप भी, मैं देखता हूँ, एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो उस सवाल वहीं पर फंसे रहेंगे और वो काम नहीं होगा। मैंने मकसद बता दिया कि ये क्यों बनाया। क्वेश्चंस आर योर्स। कुछ लोगों ने कहा कि वो जगह अच्छी नहीं है, बहुत ऊपर। उस जगह, कोई भी जगह अच्छी या ख़राब नहीं होती, ठीक है। सेकंड फ्लोर जो 2TUF है, वो सेकंड फ्लोर पे बनाया था। जब वो चल गया तो उन्होंने बड़ी जगह ले ली, तो हमारे पास अभी जितने पैसे थे हमने उससे काम शुरू कर दिया। अब वहाँ पे एक मसला है कि वहाँ की जो सड़क है वो गंदी है, आप वहाँ रंग करा दो, ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे, रंग करा लीजिए, बच्चों को बुलाइए, रंग हाथ में पकड़ाइए, रंग करा लीजिए, उसको सेलिब्रेट कर लीजिए, रंग करना सेलिब्रेट कीजिए। दीवारें आपकी बिल्डिंग की दीवारें गंदी हैं, रंग करा लीजिए, बत्ती नहीं है, बत्तियाँ लगवा लीजिए, बिजली नहीं है, हमने अपने ऑफिस से तार बिछवा के पूरी बिल्डिंग में बत्तियाँ लगवाई थी कि इसको अवेलेबल कर दें। जो बाहर का एक एरिया छोटा सा राइट पे है, जहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पे मैंने उनको पैसे देने की बात की थी कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, हम वहाँ पे छोटा सा एक वजू खाना और पार्क बना देते हैं कि बंदे बैठ के वहाँ सिगरेट पी सकें, और जिसको वहाँ पान खाना है, सिगरेट करना है, बातें करनी है, ठंडी हवा है चल रही है, वो अवेलेबल हैं पैसे, वो आप कर सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, एक्चुअली बुरी नहीं है, सिर्फ वो थर्ड फ्लोर का आपको जहन में है, कोई बात नहीं, थर्ड फ्लोर कोई ऐसी जगह नहीं, बच्चों के लिए बनाई है ना जगह, तो बच्चों के लिए बनाई है, थर्ड फ्लोर पे वो आ सकते हैं। बड़े नहीं आ सकते, बहुत बुढ़े नहीं आ सकते, और अगर 60 साल के भी हैं तो चढ़ के आ ही सकते हैं ना, कोई बात नहीं, तकलीफ़ हो रही है तो ना आए, नखरे ज़्यादा कर रहे हैं। फिर वहाँ पे हमने उसका एंट्री फीस लगानी है, 100 रुपये रखें और चाय फ्री कर दें, या 150 रुपये रखें, चाय फ्री कर दें, कि भाई आप आएँ, जितनी चाय पीनी है आप पी लें, लेकिन डे पास बनाएं, इसका डे पास बनाएं, वीकली पास बनाएं, मंथली पास बनाएं, एनुअल फ़ीस बनाएं, मेंबरशिप ऑन करें इसकी, कि जी जो लोग आके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, हम बिजली खर्च करते हैं, हम जगह देते हैं, किराया नहीं लेते, आप लोग आए बैठे इस्तेमाल करें, उनको ओपन क्यूबिक, ओपन एक स्पेस नहीं है, जो आपका थर्ड कमरा है उसको ओपन स्पेस की, वहाँ डेस्क लगी हुई उसको ओपन स्पेस एरिया बना दें, या और कोई एक ओपन मेज़ बना दें जिसपे वो 3,000 रुपये दे, 4,000 रुपये महीने का दे, आए, इंटरनेट इस्तेमाल करें, बिजली इस्तेमाल करें, हैंग आउट करें। असल जो इसका कोर है वो आपको नेटवर्क मिलता है, रिमेंबर दैट, दैट्स असल जो चीज़ है, वो कम्युनिटी और नेटवर्क मिल रहा है, कि आपको हम ख्याल लोग मिल रहे हैं, कि ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का शौक़ है, जिनको वेब डिज़ाइनिंग आती है, जिनको फोटोशॉप आती है, जिनको शौक़ है इन सारी चीज़ों का, आइडिया है, तजुर्बा है, असल हर कोवर्किंग स्पेस के अंदर यही चीज़ मिलती है। आपने वीडियो अपलोड कर दी है इस वक्त हब की, मिल गई है इम्पैक्ट हब की, दो इम्पैक्ट हब के टूर्स हैं वीडियोस में, एक इम्पैक्ट हब सॉल्ट लेक सिटी का है और एक इम्पैक्ट हब ओकलैंड का है, ये मैंने दोनों लगाए हैं। इम्पैक्ट हब, ये इम्पैक्ट हब है, इम्पैक्ट क्रिएट करने की हब, सेंटर पॉइंट, आप इम्पैक्ट हब को कांटेक्ट करें और उनका लाइसेंस मांग लें, ये एग्जैक्टली वही है जो इम्पैक्ट हब करता है, लेकिन नाम चैनक है, इसका नाम इम्पैक्ट हब कर दें। इम्पैक्ट हब का नाम करने से ये होगा कि जो इम्पैक्ट हब की कम्युनिटी ग्लोबल है, वो ग्लोबल कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी, कि इम्पैक्ट हब जब इश्तिहार करेगा तो ये भी बोलेगा कि एक इम्पैक्ट हब कराची में भी, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी जगह को इम्पैक्ट हब बनाएं, सिटी कराची हमको आराम से इम्पैक्ट हब के लिए जगह दे देगी, लेकिन आप अगर लाइसेंसिंग के लिए शुरू करते हैं ना, तो आप इसी को इम्पैक्ट हब बना दें, जब ऑन हो जाएगा तो मैं कमिश्नर के पास आपको ले जाऊंगा, कहूंगा जी मुझे इतनी जगह से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, और अब मुझे आप 4 फ्लोर की जगह दे दें, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिटी गवर्नमेंट दे देगी, और वो इम्पैक्ट हब इज़ ऑलवेज नॉट फॉर प्रॉफिट, और उसके कुछ ओनर्स होते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि ऐसी जगह क्रिएट की जाए जहाँ पर लोग आने के बाद अपने आप को निखार सकें, जैसे ग्रीन हाउस होता है ना पौधों लगाने के लिए, इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये एक तरह का ग्रीन हाउस है, कि आप आएँ अपने आइडियाज़ को उजागर करें, वरना तो आप चाय की दुकान पर जाकर भी बैठ जाएँ, बात जगह की नहीं है, जगह ये है कि उस जगह पे ज़्यादातर वही पागल आते हैं, जैसे सिगार क्लब है या सिगार रूम होते हैं, आप पता नहीं गए जमजमा पे एक सिगार रूम बना हुआ है, तो आप वहाँ जाएँ देखें तो वहाँ सिगार पीने वाले आते हैं, तो उनका शौक़ है, अब वो सिगार पीने वाले आ जाते हैं,
तो वहाँ पे उस कम्युनिटी को फ़रोग मिलता है। तो हम ख्याल लोग, हर एक तो सिगार नहीं पीता ना, तो सिगार वालों का एक माइंड सेट होता है, वो आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर का एक माइंड सेट होता है, वरना तो आप चाय की दुकान पे भी अगेन मीटअप कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे हर वक्त वैसे ही दिमाग के लोग आते हैं, तो वो कम्युनिटी जो है वो स्पेशल होती है। तो जब भी इम्पैक्ट हब, अभी सॉल्ट लेक में गया, तो ऊबर का पता है आपको, तो ऊबर का ऑफिस सॉल्ट लेक के अंदर इम्पैक्ट हब में उन्होंने 3 कमरे ले लिए हमसे। क्यों? इसलिए कि अब अगर कोई आईटी का बंदा आपसे जगह लेगा तो उसको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ आईटी की हर चीज़ अवेलेबल है, लोग माइंडसेट भी अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुनिया में माइंडसेट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। पैसा नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट। अगर आपके पास माइंडसेट सही है तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही ख़राब है तो वो माहौल आपको मार देता है, पिटाई करता है, माहौल आपको बढ़ने नहीं देता। तो आपको अपनी कम्युनिटी चाहिए होती है, उस कम्युनिटी में आप ग्रो आराम से कर जाते हैं। इसी तरह ग्रीन हाउस कम्युनिटी, प्रोटेक्टेड कम्युनिटी, कि भाई हम इसको फ्लरिश करते हैं, हम हर चीज़ फैसिलिटेट करते हैं, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हम आपकी बात समझते हैं। अब चाय वाले को जाके बोलोगे वाईफाई नहीं आ रहा, ओके, वाईफाई की होती, तो कम्युनिटी उसके पास जहन में आइडिया नहीं है, सिर्फ वाईफाई चाहिए, नहीं होता लोगों को। अगेन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कोई समझने वाला मिल जाए। अगर आप समझ, मोहब्बत किससे होती है? हम ख्याल आदमी से ही होती है ना, कि भाई यार उसको तो मेरी बात समझ में आ रही है, 1 मिनट में तो उससे मोहब्बत हो जाती है, यार इसको मेरी बात समझ में आती है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। अब हर एक के पास तो आप नहीं जाएंगे कि यार ये वाली बात के बारे में बात करने के लिए, उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना, वो कम्युनिटी बनाना ज़रूरी है। तो क्लब्स जो मैंने बताए हैं, आप अबंडेंस किताब पढ़ लें, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्लब्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। वो किताब rehanuniversity.com/abundance से पढ़ी हुई, वो 6-8 घंटे की किताब है, उसको सुन लें। उसके अंदर आपको क्लब्स के आइडिया मिल जाएंगे, ड्रोन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लब्स बनाएं। क्लब्स बनाने से क्या होगा कि अगर 3 आदमी भी आ रहे हैं, क्लब की मीटिंग है जी आज, 1 घंटा क्लब की मीटिंग, आपने इवेंट्स में अनाउंस कर देना है कि जी आज, चाहे एक एक भी ना आए, लेकिन आपके पास कैलेंडर में लिखा होना चाहिए कि ये क्लब की मीटिंग होनी है। फिर आपकी जो एक दीवार है उसको आप पूरा ब्लैक बोर्ड कर दें, और ब्लैक बोर्ड पे इवेंट्स लिख दें 1 हफ्ते के, कि जी ये चीज़ें हुई। फिर एक दीवार आप बना दें जिसके ऊपर लोग आके साइन करके जाएं कि जी मैं आया था, मुझे ये तासुरात, जैसे गेस्ट बुक होती है, वो तासुरात आप दीवार पे लिख दें, और 5 कलर के पेन वहाँ रख दें, परमानेंट मार्कर, लोग उससे लिखेंगे, या कोई आप प्रोमिनेंट आदमी आए उससे लिखवाएं, हर एक जो गेस्ट आ रहा है, मेंटर आ रहा है, उससे लिखवाएं, हर एक से नहीं लिखवाएं। तो ये क्या होगा, इससे एक एनर्जी क्रिएट होगी लोगों की वहाँ पे कि जी ये ओनरशिप आएगी। और मैंने एक और आइडिया देखा था कि जो साइन करता है उसकी फ़ोटो भी वो लगा देते हैं, उसके ऊपर फ़ोटो खींच के फ़ोटो भी वहाँ लगा देते हैं, तो वो उसकी शक्ल, जैसे प्रेसिडेंट फलाना आया, उसके नीचे उसकी फ़ोटो लगी है, उसी के नीचे उसने साइन किया हुआ है, ठीक है। इससे वो एनर्जी क्रिएट होगी जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी चाहिए। सवाल? ये सवाल नहीं है, मसला है, वाटर का इशू है, तो वो पास कैसे लेता है चौकीदार, तो फिर दोबारा बात करें। वाटर का इशू तो मैं नहीं ठीक कर सकता, क्या किस तरह ठीक होगा पता कर ले। ये दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इट, आई डोंट थिंक आई नीड टू बी इन्वॉल्व इन दैट, वाटर इशू के लिए बिल्कुल बना दें। अगर नहीं, 100% जो सेकंड रूम हैज़ टू बी अ स्टूडियो रूम, दैट इज़ अ परमानेंट स्टूडियो रूम। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ, जो आता है वीडियो के बगैर अब कोई बिजनेस नहीं चल सकता, तो वो आप वहाँ पे कैमरे लगाएं, लाइटिंग्स अच्छी लगाएं, और वो जो हमारा असल मंटू का कमरा ही वही था, तो वहीं से शुरू किया था हमने, तो आप बिल्कुल बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करें, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। लगाएं, बिल्कुल लगाएं, जो आपको वाइब्रेंट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है, कलर्स से वाइब्रेशन आती है। क्यों नहीं रुकती? तो पैनल लगाना पड़ेगा, वो इशू है। तो पता कर लें, जो इशू है पता कर, डिस्कस कर लें। दैट्स समथिंग विच इज़ नथिंग टू डू विथ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट दैट्स अ फिजिकल बिल्डिंग से रिलेटेड है। और लिफ्ट टू मैं बार बार रिकमेंड करूँगा, लिफ्ट ना चले, पैदल आए। सीढ़ी गंदी होने की वजह से ना, लाइटें ठीक कर लें, वो शीशा लगा लें, तो बेहतर हो जाएगा। बस इफ़ यू डोंट फिक्स कराची, हु विल? करना पड़ेगा।
एक आइडिया था, वो कलर वगैरह कराते हैं, वो थूक के चले जाते हैं, फिर कोई बात वो नहीं, करते आप फिर हैं। करा दें, तो एक वो तो फिर करा देंगे, एक बांग्लादेश की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने अरबी में कुछ लिख दिया था, और लिख दें। वो कैलीग्राफर को बुला के अगर आयते लिखवा दीजिए और साथ में उर्दू लिखवा दीजिए, भाई थोड़ा इजाफा आयते कर नहीं है दीजिए। वो, उन्होंने नहीं आयते नहीं वहाँ, लिखी हुई, वहाँ तो वो दूसरे मकसद के लिए आया था, तो उन्होंने बिल्कुल वो टच नहीं दिया, हम थोड़ी ऊपर ऊपर आयते लिखवा देंगे आयते एक लिखने की बार। कोई जरूरत नहीं है। नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स, अरबी में लिखवा देना थूकना माना, अरबी में लिख दें, थूकना माना नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंट करना है ना, करके देख एक्सपेरिमेंट लें, करके देखते हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स? अगेन इम्पैक्ट हब को गूगल ज़रूर कर लें, इम्पैक्ट हब इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, उसको उसी इम्फेसिस पे लेके चलें, इसको पूरे को बनाएं, और इम्पैक्ट हब के जितने भी फाउंडर्स हैं उनको अपने पास फेसबुक लिंक्डइन पे ऐड ज़रूर करें, ठीक है। एंड देन हेल्प मी क्रिएट अ प्रोसेस मैनुअल सो दैट ही कैन स्टार्ट वन इन दादू गुल बलोच मेरे पीछे पड़ी हुई है, और बलोच वो क्या नाम है, अली, उसका नाम भी अली नहीं, बाबर, कि मुझे बाबर हैदराबाद में खोलना है, कोई आता है लाहौर में, क्यों नहीं खोला आपने, सो यू कैन स्प्रेड इट, बट इन ऑर्डर टू स्प्रेड एनी आइडिया रिमेंबर देर हैज़ टू बी अ मैनुअल कि कैसे करना है, लोगों को ये नहीं मालूम कि कैसे करना है, और उसमें छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं, एस ओ पीज लिखे होते हैं। मैं एक आइडिया शेयर करूँ, जी मेरी कहानी में मैं चाहता हूँ कि एक साहब किसी भी मरीज का लें, वो कराची में ऐसे होते हैं, आप अगर एक स्टोरी चलाएंगे तो उस पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। नहीं समझ आया, मतलब मैं जैसे केस हैंडल करता हूँ, एक अगर आपके आपका, मशवरा पहले दोबारा समझाएं, समझ नहीं आया। मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, मशवरा नहीं है, क्या हम ऐसा कर एडवाइस सकते को उर्दू में हैं? मशवरा तो कहते हाँ, हैं, चैनक में ऐसा हम कर सकते हैं, कोई केस हो मिसाल के, कोई इलाज नहीं करवा सकता, कोई गदागड़ी वाला, उसकी स्टोरी अगर हम वीडियो बना के चैनक में बुला के वो करें और उसकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारा। रिकॉर्डिंग का रूम अवेलेबल है, अगर आप किसी को कहते हैं कि वहाँ जाके हाँ रिकॉर्डिंग करा दो तो हम इजाज़त नहीं देंगे, आप किसको कहें, किसी भी मोबाइल की दुकान पे जाके कर लो, कि जितने इंटरनेट कैफ़े हैं वहाँ पे सबके पास मोबाइल होता है, कैमरा लगा होता है, उस पर रिकॉर्ड कर लें, नहीं मतलब हम उनकी हेल्प करें चैनल के थ्रू। हमारा ये पर्पस नहीं है। अच्छा वहाँ पर नहीं, इस काम के लिए एक जगह एलोकेट की थी नाजिम, मैं आपको नाम दे दूंगा, उन्होंने मुझे दुकान दे दी थी कि लोग आएं और अपने मसाइल वहाँ पे रिकॉर्ड करा दें और हम जबरदस्त। उनको पेज पे शेयर कर दें, उन्होंने मुझे पूरी दुकान दे दी थी टीबी सुल्तान में इस काम के लिए, और उसके अंदर उनको उन्होंने कहा मैं आदमी को पैसे भी दूंगा, आप मुझे बस सेट कर दें, उनको फॉलो अप करना है, वो जगह मिल जाएगी, जो ये चीज़ मांग रहे हैं वो वहाँ मिल जाएगी। शहर कराची में आपको कोई भी शिकायत है आप वहाँ जाएँ, कैमरे के सामने खड़े हों, रिकॉर्डिंग कराएँ, हम उसको पब्लिश कर देंगे, और जमात इस्लामी उसको पुश भी करेगी, सही जबरदस्त। लेकिन ये जो हर चीज़ का एक पर्पस होता हाँ है हाँ सही ये इसका पर्पस नहीं है, इसको इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सही आपको ये जो कुछ हमने यहाँ क्रिएट किया, मेरा ये ख्याल है आप अपने दो कमरों को अगर सिर्फ कुछ नहीं कलर कर देंगे ना, रंग फ़र्क पीला नीला कर देंगे, उससे एनर्जी फ़र्क हो जाती है। बिलाल, वो कैफेटेरिया वाला आइडिया कैसे चलता है? वही कुछ का सवाल, कैफेटेरिया बनाने की जल्दबाजी नहीं होती चेन्नई में, जो आपका आइडिया था। जी सर, वो थोड़ा चाय को रखना चाह रहे थे, चाय को एक नया नाम दे के उसके ऊपर लोग आए हमारे पास। नहीं, वो कैफेटेरिया वाला आइडिया कह रहा हूँ, मेन्यू सेट करेंगे, ये करेंगे, क्या कहते हैं आप? मुझे कुछ याद नहीं, आप कितना कहेंगे फिर उसका? मेन्यू मेन्यू लिखेंगे खाना कैफेटेरिया में। सर नाश्ते का मैं बहुत सोच रहा था कि जैसे 11 से, जैसे 9 बजे हम लोग ऑफिस खोलते हैं तो 9 बजे से 12 बजे तक हम नाश्ता रखेंगे, तो उसमें ये मेन्यू ऑर्गेनाइज कौन करेगा? सर हम ही ऑर्गेनाइज करेंगे सब साथ। अगर कर सकते हैं तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप वहाँ पे नाश्ता सर्व करना चाहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो खाने आ जाऊँगा, लेकिन आई हैव नो प्रॉब्लम, आपको एक्सपीरियंस है उसका तो आप आराम से कर सकते हैं, हमें नहीं है तो हम, हमारे लिए घबराहट होती है, ठीक है, थैंक यू।